देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं, जो हमारा ये समंदर है, ये जो बीच है, यहाँ हम घूमने आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो कुछ भी खाते हैं या प्लास्टिक डालते हैं, क्या होता है उसकी वजह से देखेंगे इस नाटक की ओर से। तो सादर करते नाटक बीच बचाओ। अरे कहा गया यार, ये मेरे लोग दोस्त लोग को बोला था मैंने कि 5:30 बजे चाची के सामने आगे खड़े रहना है, हमको काम करना, पर ये लेट लगती वो कभी टाइम पर आएंगे ही नहीं। कहा गए क्या करूं? अरे धवन साहब कैसे हो? अरे वाह वाह, धवन साहब भी आ गए पर मेरे दोस्त लोग नहीं आए यार अभी तक। ये भाई थोड़ी नीचे बैठना। वो मकसद है जो हमारे इस बीच में जो कचरा हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है, वो बचाने के लिए अगर हम यहाँ बाहर से आते हैं, शहरों से आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कचरा है, प्लास्टिक जो बीच में बहुत फैल रहा है, उसे क्या नुकसान होगा ये पता नहीं है। प्लीज बताइए क्या क्या होगा। हाँ तो बताया चिकन तुमने साहब? हाँ बताया। क्या बताया? मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे एनडीयू बीच बचाओ पॉल्यूशन किसके से आए हुए हैं और जो कचरा यहाँ पे सब फैला हुआ है वो सब इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन में डालने का प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे एक बात बताओ, तुमको आने में इतनी लेट क्यों हो रहा है? एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग आ रहे थे बाइक पे, इतना ट्रैफिक था बीच में और क्या था, एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, हाँ तो इसके वजह से जरा लेट हुआ। अच्छा, क्या हो जर्नलिस्ट? सिर्फ जर्नलिस्ट? भाई लेडी जर्नलिस्ट का फोन आया था। लेडी जर्नलिस्ट? अगर कोई हवालदार उसको रोके वो भी नहीं रुकेगा। लेकिन इस बार उसका फोन देख के भाई ने रास्ते में बाइक रोक दी और आधा घंटा खुसर नहीं थी। हम जो यहाँ काम कर रहे हैं बीच बचाव का, वो लेडी जर्नलिस्ट भी वही काम करती है मीडिया के थ्रू, तो जो वो इंटरव्यू लेने वाली है वो डिटेल में बात नहीं हुई थी, इसलिए डिटेलिंग कर रहा था। मुझे एक बात बता, अभी मैं क्या सुन, मुझे एक बात बता, अभी मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो लोगों, आप जो खाना खा के खाना खाते हो, जूता लाते हो, या अपने प्लास्टिक की बैग्स रहती है, जो प्लास्टिक की बोतल रहती है, वो यूज करके समुंदर में फेंक देते हो, उससे बहुत सारा नुकसान होता है। यही तो बात है, मैं उसको बता रहा था। पर वो आई क्या? अरे वो आने वाली, आई थी वो, अरे आने वाली, तुझे तो बता दो उसने आने वाली। अरे काम करो तुम लोग, लोगों को बता दो तब तक वो आ जाएगी, मैं उससे बात करता हूँ, जाओ तुम। ठीक है जाओ। लेकिन अरे आऊंगा ना यार, बस के पर एक बात बता, तेरे उसके बीच में कैसा है ये बंधन अंजाम? सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बस काम की बातें हो रही है। तुम हो बड़े, हमें आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये तो नाटक हम क्यों बता रहे हैं, ये जो समंदर है वो किसी फैक्ट्री से नहीं बनी है, या जो रेत है कोई मील नहीं बनाती, ये तो हम इंसानों को कुदरत की देन है, लेकिन हम ही से गंदा कर रहे हैं। हम यहाँ मुंबई से जो आए हैं घूमने आए हैं, लेकिन बाहर के शहरों से भी हम यहाँ घूमने आते, लेकिन हम क्या करते हैं, जो खाते हैं वही फेंकते हैं, इससे बहुत हानि पहुँचती है हमें, तो ये हानि ना हो इसलिए हमारे बीच सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। बीच सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। यहाँ वहाँ कचरा मत करना, ये तो गंदी आदत है। कचरा करना ये तो गंदी आदत है। बीच सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। डोलकर 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 दरिया सा राजा, डोलकर 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 दरिया सा राजा।
कर पानिया मंदी 15 लगा बंद कर काय को क्या बोल कर कौन राजा कैसा अरे राजा मतलब हम गाना गा रहे थे राजा क्या हुआ तुम्हें कुछ फायदा नहीं यार मैं फिशरमैन हूँ कोली बोलियो क्या हुआ साहब क्या हुआ यार बात लग गया पूरा क्या हुआ क्या मालूम है मैं दरिया में जाता हूँ जाल डालता हूँ उसमें से क्या आता है कचरा आता है 20% मछली रहती है और बाकी सब कचरा प्लास्टिक में रहता है अरे बाबू को क्या करें बड़े इसके लिए क्या करेंगे यार ये तुम लोग जो कर रहे हैं वो सब बंद करना चाहिए देखिए दोस्तों ये भाई साहब जो बोली है ये सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ जो मछली हमारे जो बीच को अपने हाथों से साफ करते हैं अपने बीच क्लीनर्स ये लोग हमारे लिए रोज सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक और फिर से अगेन सुबह 6 बजे से एंड सम टाइम्स इन द नाइट एज़ वेल तो लोग अपने हाथों से पूरे बीच को मैनुअल स्कैवेंजिंग क्लीन करते हैं दीज आर द गाइस दिस इज अशरफ एंड दिस इज योर टीम यही कह रहे हैं कि असली हीरो ये लोग हैं जो सुबह 6 से लेकर शाम तक 6 बजे तक कचरा साफ करते हैं तो डेफिनेटली लेट्स गिव अ बिग अप्लॉज फॉर दीज गाइस प्लीज ओवर